अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अब दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने अपना व्लॉग अब स्टार्ट किया है। हम सब ने नाश्ता कर लिया है और मैं यहाँ पर अयान की वीडियो ले रही हूँ। माशाल्लाह से अयान देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से खेल रहा है। और आज यहाँ पर मेरे दो खालू आए हैं, मैसूर के खाला और कोलेगाल की दोनों आए हैं। हम सब कज़िन्स मिलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। घर में पुदीना के पत्ते और धनिया का पत्ता सब कुछ ख़त्म हो गया था, इसलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना के पत्तियाँ इसको क्लीन कर रही हूँ। और अम्मी लंच बना रही हैं और यहाँ पर देखिए अम्मी गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हैं, माशाल्लाह से देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। गुलाब जामुन को शुगर सिरप में डाल दिया है और डालने के बाद देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। गुलाब जामुन को देखकर आप सब के मुंह में भी पानी आ गया होगा। गुलाब जामुन देखने में जितनी टेस्टी है खाने में उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम सब ने लंच कर लिया है और हमने फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किया था और हमारा पार्सल आ गया है। अब इसको ओपन करते हैं। ये स्लीपर्स देखिए, डॉक्टर्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्लीपर्स है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। ऑफ़र प्राइस है इसका 120 रुपीज़, हमें ये 120 रुपीज़ में मिला था। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। ऑफर्स फ्लिपकार्ट में चलते रहते हैं, आप जाकर चेक कीजिए। और हमारा सेकेंड पार्सल देखिए यहाँ पर, अब ओपन कर रही हूँ। हमने यहाँ पर टी कॉफ़ी मग्स ऑर्डर किया था। देखिए फ्रेंड्स, सारे मग्स कितने प्यारे लग रहे हैं और इसके कलर्स देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह से इसके कलर्स। इस मग की क्वांटिटी है 300 ml। मग ऊपर से प्लास्टिक है और अंदर से स्टील है ये, और इस मग के साथ ऊपर से कैप भी दिया हुआ है। माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, एक से एक कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसका प्राइस है 480 रुपीज़। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे दोनों कज़िन्स को देखिए, अयान को लेकर खेल रहे हैं यहाँ पर। घर में इस तरह से सब लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अयान को देखिए, अयान भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। अयान खेलो, कैच। एन कैच, अयुब कैच, कैच एन कैच करती है एन। और आज मैं यहाँ पर ओरियो बिस्किट की आइसक्रीम बना रही हूँ। ओरियो बिस्किट की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने यहाँ पर 10 रुपीज़ की ओरियो बिस्किट लिया है और इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। बिस्किट को क्रश करने के बाद इसको कट करके एक ग्लास में रख लूँगी और इसमें मिल्क ऐड करके इस तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक से ही मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है यहाँ पर सब कुछ। देखिए यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक को इसमें अंडर डालकर ग्लास में रख दूंगी। इस आइसक्रीम को जमने के लिए मैं 6 to 7 hours के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। 6 hours हो गए हैं और मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। माशाल्लाह देखने में तो बहुत प्यारी लग रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर डायरी मिल्क को मेल्ट करके इसके ऊपर से डाल रही हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनेगी। बहुत यम्मी एंड टेस्टी है। सो गाइस, अभी मैंने दीदी आइस बनाया है, उसे टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी आपको लोगों को कैसी बनी है। ओके, एकदम मस्त बनी है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। ये मैंने ओरियो बिस्किट में आइसक्रीम बनाया है, सच में टेस्टी है क्या? हाँ। अगर अच्छी नहीं तो डायरेक्ट बोल दो ना।
अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। सच में? अच्छा सारू, अब एक बार खाओ ना, तो खा के बताओ। मस्त बनिएगा सच्ची में, रियली। अच्छा, बहुत दिनों से सारू वीडियो में नहीं आई थी, कोई भी नहीं आया था। क्यों आयु, आयु कुछ बात करो ना बेटा, शर्माओ मत। अयू, ये हमारा क्यूट सा टिब्बेट है गाइस, नाम अयूब खान, एज 100 इयर्स। और नेक्स्ट सारू कुछ बताओगी क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो चलो हॉल में चलते हैं। हेमा शाबू कैसा कैसा लग रहा है? सबसे मस्त है, बहुत टेस्टी है सच में। ऊपर से डायरी में डाला है मैंने। बहुत टेस्टी है आइसक्रीम, ये बच्ची लाली है। आई आर यू टिबेट? बस बस आइसक्रीम टेस्ट करो। बहुत टेस्टी है। और यहाँ पर देखिए सब लोग लूडो खेल रहे हैं। हाजिरा, सारा, शाबाज और मेरी बहन चारों लूडो खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं सच में फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉइस है यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से सब लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग। अब करीबन शाम के 10:30 बज रहे हैं। अम्मी यहाँ पर केसरी भात बना रहे हैं। इतने टाइम में बना रहे हैं क्योंकि मेरे खाला की बेटी, मेरी कज़िन की फरमाइश थी कि वो केसरी भात खाना चाहती थी, इसीलिए इतने टाइम में बना रहे हैं। अब यहाँ पर सूजी ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़े से बादाम डाल रहे हैं बारीक कट करके। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये नमीन है, खाला की बेटी और मेरी कज़िन। मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।